वट सावित्री व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूरी पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ, जो कि आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर कोई मजबूरी है, वृक्ष के पास अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में ही कैसे आप पूजा विधि करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अगर आप घर में करना चाहते हैं तो इस तरह की आप डाली मंगवा लीजिएगा वट वृक्ष की, या फिर नर्सरी से जो है वट वृक्ष का पौधा मंगा लीजिएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो भी आप चाहे डाली मंगाएं चाहे पौधा मंगवाएं, इसमें कोपल ज़रूर लगा होना चाहिए, क्योंकि इसी को हाथ में रख कर के तोड़ के और फिर व्रत खोला जाता है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फर इसको कहते हैं हम देसी भाषा में, तो फर यानी कि कोपल ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। आगे की तैयारी देखते हैं। स्थान को अच्छी तरह से शुद्ध कर लेना है, और शुद्ध करने के बाद अगर आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो रंगोली बना लें, और फिर अष्टदल कमल बनाकर जो है हम सबसे पहले कलश की स्थापना कर लेंगे। तो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग पूजा विधियां हैं। इसमें आप संशय मत कीजिएगा कि मैं अलग तरह से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जैसा होता है और शास्त्रों के अनुसार, मतलब क्योंकि जो भी ग्रंथों में मैंने पढ़ा है उसको भी मिला करके, और जो मेरे क्षेत्र में होता है, क्योंकि परंपराएं निभाना ज़रूरी होता है, तो जो आपके क्षेत्र में होता हो वो आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मेरे यहाँ जैसा होता है मैं आपको वैसा ही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि अब आगे हम पूजा की तैयारी के लिए कलश स्थापना वगैरह करेंगे, तो पवित्र हो जाना चाहिए। तो उसकी मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालकर पवित्रीकरण कर लें। इसके बाद आचमन करें, उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशव ओम नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार जल मुख में छुआकर जल नीचे गिरा देना होता है, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। हाथों को अच्छी तरह से पोंछ कर पूजा की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे पहले हम अष्टदल कमल बना लेंगे कलश की स्थापना के लिए, और इसके बाद जो है उसके ऊपर कलश रखने के लिए कलश के गले में मौली धागा ज़रूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसके बाद जो है कलश में जल भरने के बाद चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा इत्यादि डालें, और फिर आम के पत्ते लगा करके जो है उसके ऊपर सप्त धान्य रखें, और फिर दीप रखें। दीप कलश हम यहाँ पे बना रहे हैं, कई लोग मिट्टी का बनाते हैं, आप चाहें तो मिट्टी का भी बना सकते हैं, अगर घर में कर रहे हैं तो पीतल का भी बना सकते हैं। और धान्य में जैसे कि हमारे यहाँ चने की दाल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस पूजा में, तो हम चने की दाल ही कलश के ऊपर भी रख ले रहे हैं, आप चाहें तो गेहूँ वगैरह भी रख सकते हैं या फिर चावल, और ऊपर दीपक रख करके अब हम आगे जो है गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। तो पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चावल रख के जो है हम गणेश जी की, जो कि हमने सुपाड़ी में मौली धागा बांध कर बनाए हैं, और गोबर से जो है हमने गौरी माता बनाई हैं, तो उन्हीं को आसन प्रदान कर देंगे। इसके बाद पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम जो है पूजन का संकल्प ले लेंगे। कहते हैं बिना संकल्प के की गई पूजा का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए संकल्प ज़रूर ले लेना चाहिए। हाथ में चावल, फूल, थोड़ा सा जल डालकर और दक्षिणा ज़रूर रख लें अगर हो तो, और इसके बाद संकल्प लें कि मैं अपना नाम बोलकर अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की पूर्ति के लिए जो है वट सावित्री व्रत वट वृक्ष पूजन करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा बोलकर जो है आप वृक्ष के पास जो है अपनी फूल चावल दक्षिणा रख दें। दक्षिणा आप वापस भी उठा सकते हैं, बाद में देने के लिए पंडित जी को आप दे सकते हैं, फिर किसी भी सुहागन को, क्योंकि वहाँ पे गीला हो जाएगा पूजा करेंगे तो। फिर जो है संकल्प के बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है, कलश का पूजन हम करेंगे, तो ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, इस तरह से बोलते हुए जल अर्पित करें, और हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएं। कलश में भी जल अर्पित करना है, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएं, और फिर वस्त्र इत्यादि अर्पित करें, और फिर जो है पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद अक्षत स्वरूप आप चने की दाल अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि चने की दाल का विशेष महत्व होता है इस व्रत में। और फिर जो है अब हम धूप दीप करेंगे, धूपबत्ती जलाइए, और गौरी गणेश को धूप दिखाने के बाद कलश का ही इसी तरह पूजन करना है। धूप दीप करने के बाद जो है अब हम नैवेद्य अर्पित करेंगे गौरी गणेश को थोड़ा सा, और फिर जो है हम वट वृक्ष का पूजन करेंगे। तो जो भी आपके पास फल, मिठाई, नैवेद्य हो, आप गौरी गणेश को भोग अर्पित करें, और भोग में कुश की मदद से थोड़ा सा जल ज़रूर फेर दें। और फिर जो है अब हम वट वृक्ष का पूजन करने के लिए सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करेंगे,
वट वृक्ष में सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए जो है हमें जल अर्पित करना चाहिए, विशेष तौर पर सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए। और जैसा कि ग्रंथों के अनुसार अगर बात की जाए तो ब्रह्मा और गायत्री माता, भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती, इन सभी देवी देवताओं का पूजन वटवृक्ष के नीचे किया जाता है, जो कि पत्तों पर चित्र बनाकर करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों का कथन है। इसलिए हम लोग पत्ते रख लेते हैं, चित्र तो बना नहीं पाते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन ध्यान करते हुए जो है इसी तरह से जल अर्पित करना है। फिर जो है आप चंदन लगाएं, कुमकुम इत्यादि अर्पित करें, वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप फेरी हम बाद में लगाएंगे, वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है पुष्प चढ़ाएँ, और फिर जो है अक्षत स्वरूप चने की दाल अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री जो भी आप चढ़ाना चाहते हों, चूड़ी बिंदी सिंदूर आलता, सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष विधि होती है जो हमारे यहाँ की रहती है, कई लोगों के यहाँ जो है गले में माला पहना जाता है कच्चा सूत चढ़ा करके, लेकिन हमारे यहाँ हाथ में बांधा जाता है। तो एक धागा लीजिए आप, उसमें 12 गांठे लगाइए, 12 गांठे आप कच्चे सूत पे लगाइए और उसको जो है आप वटवृक्ष को अर्पित कर दीजिए। इस धागे को हम पूजा के बाद जो है अपने हाथ पे बांध लेते हैं, और इस धागे को जो है आज व्रत के पूरे दिन या फिर 12 मिनट तक 12 दिनों तक पहने रहें, फिर जो है आप कहीं पर भी वृक्ष के नीचे जो है डाल सकते हैं, या फिर अपने से छूट जाए तो भी मतलब कई साल तक पहने रह सकते हैं। जब अगले साल पूजा करेंगे तो इसी वृक्ष के नीचे भी छोड़ते हैं कई लोग। इस तरह से धागा चढ़ा करके और धागे का भी पूजन करके हल्दी चंदन कुम इत्यादि से चढ़ा देते हैं, और फिर जो है अब हम पत्तों पर सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। तो पत्तों पर जो है 12 पत्ते रख करके हम इस तरह से उन पर जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद हम उसमें हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लगाएंगे, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, जैसे कि मैंने आपको पूरे नाम पहले बताए हैं, सावित्री सत्यवान का विशेष तौर पर, ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी पत्नियों के साथ, और पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद सभी पत्तों पर आपको भोग भी रखना है। तो एक एक पूड़ी सभी पर रखें और बड़कुल्ले रखें, उन्हीं के साथ जो है चने की दाल रखें, और इसके बाद प्रणाम करें, और फिर बाकी चने की दाल जो भी बचती है आप वटवृक्ष के नीचे जो है रख दें, भोग लगा दें। सभी चीज़ें रखने के बाद जो है जो भी फल आप लाए हों, अगर 12 हैं आपके पास अंगूर वगैरह, वो भी आप 12 पत्तों पर रख दें, ना हो तो जितने हों आप वटवृक्ष के पास उतने फल रख दें। सभी प्रकार का भोग लगाने के बाद जो है कुश की मदद से 3 भोग में जल ज़रूर फेरें सभी पत्तों पर, और फिर भोग लगाने के बाद जो है भगवान की सेवा की जाती है। ये जो हम बाँस का पंखा लाएँ उसी से, तो इस बाँस के पंखे से जो है वटवृक्ष की सेवा कीजिए, थोड़ा सा पंखा झलिए, और फिर पंखा अर्पित करने के बाद अब हम आगे जो है वृक्ष की परिक्रमा कर लेंगे। तो इस तरह से कच्चे सूत को लपेटते हुए जो है आप 7 परिक्रमाएं कर सकते हैं, हमारे यहाँ 12 परिक्रमाएं की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग पौधे में घर में पूजा करते हैं तो क्या करते हैं कि लपेट देते हैं, यूं ही बैठे बैठे महिलाएं जो है धागा लपेट देती हैं, लेकिन ये करना सही नहीं है। पूजा करने में जो है पूरी परिक्रमा की जाती है, भगवान की परिक्रमा करने का, पीपल वटवृक्ष की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। तो परिक्रमा करनी है 12 परिक्रमाएँ कीजिए, या फिर 7, आप जैसे आपके क्षेत्र में होता हो, और फिर जो है अपने स्थान पर बैठ जाएँ। जब आप धागा मतलब बचता है जो, हम लोग उसे तोड़कर जो है गांठ नहीं लगाते हैं, बल्कि मतलब यूं ही पेड़ में जो है लपेट देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि गांठ नहीं लगानी, यूं ही पेड़ में लपेट देना है, और फिर जो है अपने स्थान पे वापस बैठ जाएं, और एक दीपक जला करके जो है वटवृक्ष को थोड़ा सा आरती का भाव करते हुए दीप करें, आरती करें, और फिर जो है आप प्रणाम करके और क्षमा याचना करें, पूजा पाठ में जो भी गलतियां हो गई हैं उनके लिए भगवान क्षमा करें आपको, और जो आपने धागा चढ़ाया हुआ है उसको आप जो है अपने किसी भी महिला के साथ अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उन महिला से आपको बंधवा लेना चाहिए। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो फिर स्वयं ही जो है अपने सीधे हाथ में उस धागे को बांध लें। तो इस तरह से आपको धागा भी बांध लेना है, और
आरती इत्यादि करने के बाद एक और खास विधि होती है, वटवृक्ष के नीचे ही जो है व्रत खोला जाता है। इसके लिए जो है वटवृक्ष में जो कोपल लगा होता है यानी कि फर लगा होता है उसको तोड़ करके उसके 12 टुकड़े कर लिए जाते हैं, 12 टुकड़े करके और 12 चने की दाल गिन करके हाथ में रखी जाती है और इसको जो है यूं ही निगल लिया जाता है यानी कि चबाया नहीं जाता है, मुँह में डालकर यूं ही आप निगल लें और फिर पानी पी लें, चबाएं नहीं। इस तरह से खास विधि से जो है वटवृक्ष के नीचे ही व्रत खोला जाता है। तो इस नियम को अपनाते हुए आप जो है अपना व्रत खोल लें। जब भी आप पूजा से उठती हैं तो पूजा से उठने से पहले जिस आसन पर बैठ के आप पूजा कर रही थी वहाँ थोड़ा सा जल डालकर माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। या फिर अगर आसन पे नहीं बैठी हैं तो यूं ही धूल लगा ली जाती है जहाँ पे हम बैठ के पूजा करते हैं ताकि पूजा का फल जो है हमको पूरा मिले। और फिर जो है प्रणाम करके अगर आप जैसे कि आपका कलश रखा हुआ है, गौरी गणेश आप ले जाना चाहते हैं, आपके बर्तन है, कुछ भी है, तो आप जो है भगवान का आसन पीछे खिसका कर उन्हें विदा भी कर सकते हैं। तो भगवान का आसन थोड़ा सा पीछे खिसका कर और विनती कीजिए कि जब हम पुनः आपको पुकारेंगे तो ज़रूर आइएगा और उनको विदा कर दीजिए। कलश को भी थोड़ा सा पीछे खिसका कर विदा कर दिया जाता है, फिर आप कलश उठाकर लेके भी आ सकते हैं। इस तरह से पूजा संपूर्ण करनी है और सुहागन स्त्री को जो है ये दान किया जाता है, जो भी आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। कई लोग धोबन को दान करते हैं तो जो भी जैसा होता हो, बांस का पंखा जो है किसी ब्राह्मण को दान किया जाता है, उसके ऊपर घट भी दान किया जाता है। हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में फल फूल और ये सारी सामग्री श्रृंगार की रखकर दान कर दी जाती है ब्राह्मण को ही, तो ब्राह्मणी के लिए श्रृंगार सामग्री हो जाती है, बाकी पंखा वगैरह ब्राह्मण के लिए। तो इस तरह जो भी हमारे यहाँ मानदान होते हैं जैसे कि नंद वगैरह उन्हीं को हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत संपूर्ण करना है। इसी तरह के कथा के वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल पे आइएगा क्योंकि मैंने पूजा का वीडियो चला के कथा सुनाई है, तो आप पूजा भी देख पाएंगे और कथा भी सुन पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पे आइएगा ज़रूर। वट सावित्री से संबंधित या फिर किसी भी अन्य व्रतों से संबंधित मैं पूजा विधि के वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पे आइएगा, सभी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।